राइट, आपने जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसी लोम्बार्ड पे काम भी किया था, राइट, सो गुड, वंडरफुल। इसी प्रकार से डेटा अपडेट करते जाइए, राइट, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। मैंने यहां पे जो जनरल इंश्योरेंस का डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया, देखो मैंने दो चीज शेयर की आपके साथ, एक आईसीसी जनरल का डेटा, पर दोस्तों सवाल होना चाहिए वाई आईसीसी जनरल, दूसरी जनरल इंश्योरेंस क्यों नहीं, राइट, दूसरी कितनी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी, वो सब क्यों नहीं। तो मैंने जनरल इंश्योरेंस का एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर तो किया, राइट, कि भी जनरल इंश्योरेंस का ग्रोथ कैसा है, कौन कंपनी कितना ग्रो कर रही है। अब जैसे मार्केट शेयर में आईसीसी लोम्बार्ड इज नंबर वन, है ना, प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के, क्योंकि गवर्नमेंट में ग्रोथ नहीं होने वाला है, राइट। सो प्राइवेट में आईसीसी लोम्बार्ड, बजाज अलियंस, अब बजाज अलियंस मतलब दोस्तों ये बजाज फाइनेंस का पार्ट हुआ कि बजाज फिनसर्व का पार्ट हुआ, बताओ, व्हाट डू आई मीन बाय बजाज अलियंस। बजाज अलियंस लाइफ एंड बजाज अलियंस जनरल आर पार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस और दे आर पार्ट ऑफ बजाज फिनसर्व। नाउ दिस थिंग शुड बी क्लियर, राइट। बजाज फाइनेंस खाली फाइनेंस की कंपनी है, बट बजाज फिनसर्व जब आप लेते हो इसका मतलब ये कि बजाज फाइनेंस भी है, बजाज लाइफ भी है, बजाज जनरल भी है, और एक बढ़िया चीज है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा अभी, राइट, जब वो टॉपिक पे अभी मैं आऊंगा। मीनवाइल समझ लीजिए बजाज इज डूइंग गुड, राइट, सेकंड नंबर पे है, नॉट बैड, पर हमने जैसे आईसीआईसी लोम्बार्ड में निवेश किया हुआ है, राइट, क्योंकि इंडिपेंडेंटली लिस्टेड कंपनी है और वैसे भी अच्छी कंपनी, हाईएस्ट मार्केट शेयर तो इन्हीं का है, दे आर वेल प्रॉफिट मेकिंग, राइट। जैसे कई कंपनीज अभी भी जनरल इंश्योरेंस में लॉसेस कर रही है, आईसीआईसी लोम्बार्ड इज कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग। तो मैंने कई और डेटा भी दिए हुए, यू कैन सी एट योर ओन टाइम। देखो जितनी भी कंपनीज है सबके डेटा यहाँ पे कॉपी मैंने किए हुए, कहां से, इरडा से लेके, राइट, तो आपको हर एक कंपनी का मार्केट शेयर पता चल सकता है। ऑलराइट, आईसीआईसी जनरल पे जब मैं आया, या राइट बंकिम भाई आपने सही लिखा है, बजाज फिनसर्व, राइट, ओके। सो जब मैं आईसीआईसीआई जनरल के डेटा में आया पिछले साल तक, दोस्तों पिछला साल ऐसा साल था, लास्ट इनफैक्ट मैं कहूंगा कोविड का समय, कोविड के समय पे क्या हुआ, ग्रोथ यहां पे प्रॉफिट बढ़ते नहीं थे क्योंकि क्लेम बहुत थे, क्लेम बहुत थे। होगा क्या इससे दोस्तों, क्लेम बहुत आएंगे तो, क्लेम आएंगे तो दोस्तों इनके प्रॉफिट गिरेंगे। तो हमने चैलेंजिंग समय थोड़ा इनका कोविड के समय पे देखा था, राइट, कि आप देख सकते हो 1400 करोड़ का प्रॉफिट, 1200 करोड़, पर ये भी प्रॉफिट क्यों हुआ था पता है, मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन रेशियो बताया था, राइट, कॉम्बिनेशन रेशियो यानी मैं कितना प्रीमियम भरता हूं, ये रहा कंबाइंड रेशियो। मैंने 100 रुपए का प्रीमियम भरा, राइट, और 100 रुपए के क्लेम आए, 100 रुपए का प्रीमियम और प्रीमियम लाने के पीछे जो खर्चे किए वो 100 रुपया और क्लेम आए 100 रुपया, तो ये 100 का कंबाइंड रेशियो हुआ, राइट। अब अगर 100 रुपए के प्रीमियम आए और 90 के क्लेम आए और सब खर्चे भी मिला लो, सब मिलके 90 आया, तो ये तो बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, मेरा प्रीमियम बचा, ये प्रीमियम यूज होगा इन्वेस्टमेंट में, राइट। और जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज इन्वेस्टर होती है, इनको हक नहीं है कि जो प्रॉफिट करे पूरे पूरा बांट दे, इसीलिए आप देखोगे इनके रिजल्ट में हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट इनकम नजर आएगी। लाइफ इंश्योरेंस बड़े निवेशक होते हैं, राइट, उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, पर जनरल का भी कम नहीं है दोस्तों, जितना प्रॉफिट आप सोच सकते हो करीबन उतना तो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रहा है, राइट। तो आप बोलोगे पीयूष भाई अगर जितना प्रीमियम आया उतने क्लेम आएंगे तो प्रॉफिट किधर से करेगा भाई, इन्वेस्टमेंट इनकम भी तो प्रॉफिट दे रहा है, राइट। तो हमें एडवांस में पता कहां से चलेगा, कंबाइंड रेशियो से। अब कंबाइंड रेशियो अभी 103 है, ये 108 था कोविड के समय, ये कम होता जा रहा है, यानी ये फेवरेबल, राइट। तो इसीलिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करेक्शन में था, आप देख सकते हो प्रॉफिट बढ़ते नहीं थे, राइट, डिमांड बढ़िया थी, 19%, 17% मतलब बढ़िया डिमांड, पर प्रॉफिट अच्छे नहीं थे, पर लास्ट कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट वापस बढ़े। अभी जो Q4 के नतीजे आए दोस्तों अमेजिंग, हियर इज Q4, जितना प्रीमियम बढ़ा उतने प्रॉफिट बढ़े, हम यही तो चाहते थे कि भी तुम्हारे प्रॉफिट भी कंपेरेबल बढ़े जो अब बढ़ रहे हैं, राइट। इससे हमें ट्रिगर होना चाहिए कि कोई बात नहीं, कोविड के समय से अब तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नहीं चला है भाई, अब तेरी बारी आई, राइट। मैंने क्या उम्मीद की है इस साल कि 18% से मैंने अभी अनुमान रखा है अगले साल का, राइट, क्योंकि प्रीमियम बढ़िया चलते जा रहे हैं। Q4 में भी देखो, एक्चुअल Q4 में भी प्रीमियम 17% से बढ़े, राइट, ये इंप्रूवमेंट है 9 मंथ से। तो मेरी उम्मीद है कि चलो 18%, अब आपको क्या लगता है ये समय मुझे 5% का ग्रोथ उम्मीद रखना चाहिए, नहीं, मैं 30% रखूं तो बराबर है, नहीं, राइट। तो हमेशा जो ट्रेंड है उसके साथ चलो, मैंने 18% उम्मीद किया है, मार्जिन 8.3 और प्रॉफिट मेरे 31% से बढ़ेंगे इस साल, राइट। इसके हिसाब से मैं अगर मेरा पी देखू, पी इस साल
31% का मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखूंगा और 33 का ही पीई है, तो पैग रेशियो बिल्कुल फेवरेबल हुआ, जितना पीई उतना ग्रोथ। ऐसी कंपनियों में हम उम्मीद कर सकते हैं यस रैली यहां पे आनी चाहिए ये साल। मेरी उम्मीद है कि आईसीआईसी लोम्बार्ड 30,000 करोड़ के प्रीमियम पहुंचेगा, 2500 करोड़ का उनका प्रॉफिट आएगा, 51 का ईपीएस, फेयर वैल्यू 1530, राइट। सो यस, जो बुराई थी अब तक की वो अब निकली है पहली बार कितने लंबे समय बाद, और हमने यहां से जो इंप्रूवमेंट देखा 9 मंथ से वो आपको चार्ट में भी नजर आएगा। देखो चार्ट क्या कहता है आईसीआईसी लोम्बार्ड का, मैं यहां पे ओपन करता हूं, आईसीआईसी लोम्बार्ड स्टॉक में गया, दिस इज आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों जब कंपनी का आईपीओ आया तब ये कुछ ऐसा था, तब तो चार्ट होते नहीं है, राइट। हमने पास्ट डेटा के आधार पर उम्मीद की थी कि ये कंपनी में हमको ग्रोथ अच्छा मिलेगा, हम देखेंगे कि प्रीमियम बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे और हमारे वैल्यूएशंस बढ़ेंगे। और देखो 2018 के बाद 12,000 करोड़ का प्रीमियम 25,000 करोड़ हमने प्रीमियम बढ़ते देखे, प्रॉफिट बढ़ते देखे, राइट, रिजर्व बढ़ते देखे, और इसीलिए चार्ट में भी हमने ये इफेक्ट देखी, राइट। जब कभी ये गिरे तो टेंशन नहीं लेने का। देखो आईपीओ जब इनका आया, आईपीओ के बाद ये 650 से 872 ये कुछ 4-1 महीने में आया, राइट। फिर ये कौन सी कैंडल बनी, विच कैंडल इज दिस, या कैन आई से ये बुलिश एंगलफिंग कैंडल है जो और दौड़ाएगी शेयर को, और आई शुड से दिस इज अ डोजी कैंडल, और आई कैन से दिस इज, क्या लिखा पहले बोल देखने दो मेरे को, बंकिम भाई शूटिंग स्टार, ओके, नियर हम ये कह सकते हैं बंकिम भाई ये इन्वर्टेड हैमर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है, राइट, इन्वर्टेड हैमर, हर्षल बिल्कुल सही लिखा आपने, इन्वर्टेड हैमर। तो हुआ क्या इन्वर्टेड हैमर में, राइट, इन्वर्टेड हैमर में ऊपर से सेलिंग आया, पर इससे दिक्कत नहीं जब तक कि ये लो के नीचे ना जाए, और उसके बाद हमने लो लगते हुए देखे, कोई टेंशन नहीं है, चलो। उसके बाद क्या हुआ, 3-4 महीने करेक्शन रहा, राइट। फिर क्या, 2018 के बाद हमने वापस से शेयर को चलते देखा, और 2018 से लेके हमने रैली कहां तक देखी, 700 से 1400, ये डबल हुआ 2018 से 2019 एक आध साल में। दोस्तों जो लोग इधर बोर हो गए थे, अरे यार शेयर चलता नहीं है चलता नहीं है, उनको क्या है ना, रोज एक्साइटमेंट की, अभी रोज एक्साइटमेंट तो पिक्चरों में आएगा, ये कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है जो एक्साइटमेंट देगी आप, राइट, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो बिल्कुल शांति से चलेगा। जो लोग इधर बोर होके निकल गए, बोले अभी ये नहीं चल रहा है इनमें दूसरा लेता हूं, वो इधर से निकले दूसरे में गए और ये चलने लगा, फिर जब ये चलता है वो इधर आते हैं, उनके आने के बाद वापस सिर करेक्शन में आ जाता है। फिर क्या हुआ, कोविड की महामारी, जबरदस्त क्लेम, और हमने दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को एक लंबे करेक्शन में देखा। कितना लंबा करेक्शन देख सकते हो दोस्तों आप लोग, राइट, लॉन्ग करेक्शन। जैसे प्रॉफिट्स वापस बढ़े, एक उम्मीद हुई कि यस अभी हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे, शेयर में रिकवरी आई, और ये शेयर यहां से वापस अब जैसे यहां चला था कंटिन्यू वैसे ही वापस से चलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब मैं यहां पे जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे इसी प्रकार से हम इसको और अगेन 2-1 साल की रैली देखेंगे, राइट। एक नेगेटिव चीज भी ध्यान रखिएगा, आईएमडी ने बोला है कि बरसात अच्छी रहेगी, राइट, तो ये पॉजिटिव है रूरल के लिए, वैसे इससे भी डिमांड बढ़ती है, पर कुछ जगह पे जबरदस्त बरसात होगी, कुछ जगह पे अगर पूर आते हैं तो ऐसे में भी क्लेम बढ़ते हैं, राइट, पर ये सब चीजें कंसिडर की जाती है, बराबर। हम क्यों यहां पर रैली उम्मीद कर रहे थे एडवांस में, हम इसलिए उम्मीद कर रहे क्योंकि इंप्रूवमेंट है। दोस्तों इंप्रूवमेंट जब बिगड़ेगा, जब इंप्रूवमेंट नहीं आएंगे तो ये शेयर गिरेगा, तो ये चार्ट नहीं बताता है कि चलेगा कि दौड़ेगा, ये कौन बताता है, बिजनेस से डिसाइड होता है कि मेरे को चलना है कि मेरे को टूटना है, राइट। सो यस, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रैली फ्रॉम हियर। अब ये रैली कहां तक, दोस्तों ओवरऑल मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 13% ग्रोथ की उम्मीद कर सकता हूं लॉन्ग टर्म, 13, 14, 15, ये सब कंजर्वेटिव है। दोस्तों दूसरे जो देश डेवलप हुए हैं दोस्तों, वो देशों में जैसे हमारी तो सालाना इनकम 2 लाख है, पर डेवलप इकोनॉमी के लोग प्रीमियम ही सालाना 2 लाख भरते हैं, क्यों, क्योंकि पैसा है, राइट, लोगों को सेफ्टी चाहिए। तो यस यहां पे भी हम देखेंगे आने वाले समय में दोस्तों पॉजिटिव होने के लिए दो चीजें, एक तो गाड़ियां बहुत बिक रही है अभी, राइट, तो ये जो 2-व्हीलर 4-व्हीलर कॉमर्शियल व्हीकल भी अभी बिकेंगे, ये गाड़ियां बिकेगी, ये भी इनके मोटर इंश्योरेंस को बढ़ाएगा, और सरकार टारगेट पे चल रही है इंश्योरेंस फॉर ऑल, आने वाले समय में सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति इंश्योर्ड हो, राइट, तो ये भी इनके लिए लाभदायी है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों 2030 तक 50,000 करोड़ के प्रीमियम पे में पहुंचू, पर 2030
इतना छोटा एस्टिमेट बराबर नहीं, मिनिमम 10 ईयर के दोस्तों एस्टिमेट होने चाहिए मिनिमम। मेरे को याद है हम लोग 2017 के टारगेट लेके चलते थे, जब हम 2007 में ये एस्टिमेट लेते थे तब अलग अलग कंपनी का, मैं जब ये फिगर देखता था अरे 2017 में इतना बड़ा, ये सही में होगा क्या, ऐसा हो सकता है कि धंधे इतने बढ़ेंगे प्रॉफिट इतने बढ़ेंगे, तो जो आज तो वो कहानी हो गई है। इतना बड़ा हर एक कंपनी का बिजनेस, सेल्स और प्रॉफिट दोनों, और भाव भी बढ़े दोस्तों। कंपनी हमने देखी हजार हजार रुपए की दोस्तों, 10-10 हजार 15-15 हजार उनके वैल्यू हो गए। पर मैं सही बोलूं तो मुझे भरोसा नहीं था, ये मैंने बनाया था वॉरेन बुफे से सीख के, राइट, उनकी जो किताब है द वॉरेन बुफे वे में उन्होंने बताया है ये, तो मैं तो बनाने लगा, पर सही में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। बुफे साहब कहते थे ऐसा होता है वैसा होता है, चलो देखते हैं। जब आंखों के सामने ये सारे साल बितने लगे, उसने लर्निंग की कि यस कैसे सेल्स बढ़ते कैसे प्रॉफिट बढ़ते, राइट, पर मिनिमम 10 ईयर, क्योंकि 10 साल के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, 2-3 साल बिगड़ सकते हैं कुछ और हो गया तो, राइट, तो ये 10 साल से नीचे का एस्टिमेशन आपको गलत कर सकता है, 10 साल का एस्टिमेशन हमेशा आपके सही राह पे जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ गड़बड़ होगी तो भी वो टेक केयर ऑफ हो जाता है, राइट। सो हियर वी आर एक्सपेक्टिंग 1 लाख करोड़ प्रीमियम इन 2035, राइट। आज दोस्तों चाइना सिंगापुर कंपनीज है जिनके 2-2 लाख करोड़ के प्रीमियम है लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस, राइट, तो ये भी इंडिया में भी तो यही चीज होगी, लोगों की कहां कमी, 150 करोड़ लोग है, मेरा फेयर वैल्यूएशन ही 5,000 के करीब होगा, तो शेयर का भाव तो 10,000 होगा कि नहीं। सो ये चार्ट में आपको दिखना चाहिए, अगर आज 1700 है आपको पता रहना चाहिए कि ये दौड़ने वाला है इधर से, लेकिन आप सोचो कि ये कंटिन्यू सीधा 1700 से 10,000 5,000 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ये चलेगा ना फिर से 2-3 साल ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी, फिर चलेगा फिर 2-3 साल बिगड़ेंगे, ये करते करते अगर ये 10,000 आता है हमें क्या दिक्कत है, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तुम ऐसे ही आओ, पर हमें क्या फायदा है कि इसके साथ हमें डिविडेंड भी हर साल मिलेंगे, हमें अर्निंग होती जाएगी, ये समय आएगा जब जितना पैसा हमने लगाया उतना डिविडेंड में आएगा, राइट, और कंपनी जितनी मैच्योर होगी, HDFC AMC ने ये साल दोस्तों 77% डिविडेंड दिया, माइंड ब्लोइंग, 77% मतलब प्रॉफिट का 70% उसने बांट दिया, वो जनरल नहीं कर सकता है अभी क्योंकि इनके खर्चे होते हैं, AMC की कंपनी के कोई खर्चे नहीं होते ज्यादा, राइट, पर ये भी तो 10-15 साल में मैच्योर होगी दोस्तों, ये भी आपको बढ़िया डिविडेंड देगी, अभी बोलो कोई चिंता नहीं है नहीं चाहिए डिविडेंड, तुम दौड़ो खाली, ऑलराइट। सो ऐसे दोस्तों एस्टिमेट लगाए जाते हैं लॉन्ग टर्म के। अब आप ये एस्टिमेट कोई भी कंपनी में कर सकते हो, आप स्टार हेल्थ में कर सकते हो, आप न्यू इंडिया में कर सकते हो, पर दोस्तों जिनका पास्ट कंसिस्टेंट नहीं उनका आप भविष्य कैसे आंक सकते हो, स्टार की आधी जिंदगी लॉस में गई है, अब आप बोलोगे दौड़ेगा, वो दौड़ेगा, वो चलने वाला है, क्यों, क्योंकि स्टार हेल्थ नहीं जनरल इंश्योरेंस दौड़ने वाला है, जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज बड़ी बनने वाली है, पर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो दोस्तों वो हर कंपनी नहीं देगी, हम ट्रेडर नहीं है जो आज इसमें ये मूविंग एवरेज से ऊपर निकला वो ले लिया, कल उसने ब्रेकआउट लिया वो ले लिया, मैं ट्रेडरों को 15 साल से मिलता हूं दोस्तों, ये हर साल नई नई कंपनी लेके आते इसी में नहीं कमाते, बढ़िया करते हैं टेक्निकली अच्छे स्ट्रांग होते कमाते हैं पर दोस्तों वेल्थ क्रिएट नहीं करते, राइट, उनको 10-15 साल बाद ये लगता है अरे यार ये शेयर तो मेरे पास था एक जमाने में, अरे पर वो एक जमाने में थे उसका आज क्या करने का, आज तो नहीं है क्यों, क्योंकि तुमने बेच के दूसरी कंपनी ले ली, ऐसा नहीं करने का दोस्तों, डाइवर्सिफाई करने का अलग अलग सेक्टर में और उसी में फोकस करने का, उसी में वही कंपनी में दोस्तों अपना वेटेज बढ़ाने का, जब बुरा समय आए जब शेयर ना चले तो नाव छोड़ के नहीं भागने का, जब बुरा समय आता है तभी तो शेयर नीचे गिरता है तो तभी तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, देखो अगर ICICI जनरल इंश्योरेंस कंटिन्यू चलता तो हमारे पास तो माल इकट्ठा होता ही नहीं, ये नहीं चला तभी तो हमको सस्ता मिला है, जिसने इधर लिया उसको भी XYZ डिविडेंड, जिसने इधर लिया उसको भी XYZ डिविडेंड, ज्यादा फायदा किसको हुआ, जिसने गिरावट में लिया, राइट, तो गिरावट के समय दोस्तों ध्यान रखे कंपनियों पे, क्योंकि आपको उस समय अच्छी यील्ड मिलती, राइट, ये एक बड़ा सा बाइंग मेरे को लोअर लेवल से दिख रहा है, ये कौन सी कैंडल बनी है, जिस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, ये भी कुछ हैमर जैसा कह सकते हैं कि नहीं, ये महीने हुआ क्या, ये इधर खुला फिर जबरदस्त यहां तक गिरा, फिर कुछ हुआ कि बाइंग आया नीचे से जबरदस्त और ये इसका परमानेंट लो बन गया, इसके बाद कोई भी समय पे हमने वो लो नहीं देखा, अमेजिंग लो, राइट, यस, हैमर पे ध्यान देने का जब गिरावट में आती, इन्वर्टेड हैमर पे ध्यान रखने का जब रैली में आती, राइट, अभी योर शेयर इज मूविंग, हम लोगों ने यहां पे और एक बढ़िया कैंडल देखी, देखो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मैंने क्या किया, ऑल्ट एच,
क्या किया, अगेन ऑल्ट एच, ऑल्ट एच यानी हॉरिजॉन्टल, ऑल्ट वी यानी वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन आई, मेरे को भी वर्टिकल लाइन की जरूरत नहीं है तो मैं वर्टिकल लाइन अभी डिलीट कर देता हूं, मुझे खाली ये ऑल्ट एच हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, राइट right? बेकार आंखों को तकलीफ नहीं देनी है तो थोड़ी ब्रॉड लाइन कर दी। देखो सीधा क्लियर है कि ये लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ, एक बढ़िया सी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ये कहती है कि कुछ ऐसा हुआ है ये महीने में जो पिछले दो साल में नहीं हुआ, और वो क्या हुआ, अगेन लाइफ टाइम हाई प्रीमियम, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आने की बातें हो रही है, तो इसीलिए शेयर चल रहा है। ये दो तीन महीने आराम करेगा फिर क्या दौड़ना है इसको, राइट right? तो दोनों चीज देखो दोस्तों, खाली चार्ट नहीं, चार्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट, डेटा, राइट, फंडामेंटल्स। दोस्तों ये था जनरल इंश्योरेंस का डेटा।